नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर। दोस्तों, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि अपना दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी दूर करनी चाहिए, ना कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। और दोस्तों, दिखावे के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है, और घड़ी की सुई अपने नियम से चलता है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। और सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। और दोस्तों, हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग आपको कभी हारने नहीं देगा। और बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए, क्योंकि थोड़े से गुस्से से बहुत कुछ बिखर जाता है, और जब होश आता है तो समय निकल जाता है। और कभी पत्थर की ठोकर से भी चोट नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है, और आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। वरना एक ही नाव के हजारों लोग होते हैं, और छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंस के जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। और बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। और दोस्तों, दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकता है, बुद्धि तकदीर और नियत नहीं। और सारे सबक किताबों में नहीं होते, कुछ अच्छे सबक सिर्फ ठोकरे ही सिखा सकते हैं। और दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है। आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। और स्वाद और सम्मान दोनों ही ठीक होने चाहिए। स्वाद खराब हो तो शरीर को नुकसान, और सम्मान खराब हो तो संबंधों को नुकसान। और दोस्तों, दो तथ्य हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। और भगवान ना कर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर भगवान जिसे छीन ले उसे कोई दे नहीं सकता। और एक लालची आदमी को कुछ भेंट देकर खुश किया जा सकता है, और एक कठोर आदमी को केवल हाथ जोड़कर। एक मूर्ख व्यक्ति को बस सम्मान देकर खुश किया जा सकता है, और एक विद्वान आदमी को पूरा सच बताकर। और दोस्तों, खुशियां बांटने से दोगुनी हो जाता है, और दुख बांटने से आधा रह जाता है। और मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है, और लगातार मेहनत करने से आपके हाथ में वो चाबी लग जाएगा जो किस्मत के ताले को खोल सकता है। और बातें छोटी और काम बड़ी करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। और अपने छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। और जब इंसान अमीर होता है तो वह सबको भूल जाता है, और जब गरीब होता है तो सब उसे भूल जाते हैं। और यही आज की सच्चाई है। और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय ही नहीं करेगा या फिर इसकी शुरुआत नहीं करेगा। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो अब आपको कभी भी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।